खबर झांसी से है, जहां पर एक वारंटी को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपी ने हमला कर दिया, जिससे एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला झांसी के एरच थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक वारंटी को पकड़ने गई पुलिस की टीम उसके घर पहुंची तो पुलिस को देखकर आरोपी हमलावर हो गया और कुल्हाड़ी से सिपाही हरबीर पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं अपने बचाव में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें आरोपी को गोली लगने के बाद वो घायल हुआ है। घायल आरोपी और सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस एक अपराधी को पकड़ने के लिए उसके घर गई थी और इस दौरान जो आरोपी था उसने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया पुलिस के ऊपर, जिसमें पुलिस के एक सिपाही घायल हो गए हैं। उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें जो आरोपी है वो भी घायल हुआ और उसको गिरफ्तार करके पुलिस फिर अस्पताल ले गई। और ये दोनों तस्वीरें एक तरफ आप देख रहे हैं, कुल्हाड़ी से जो हमला किया था तो सिपाही के हाथ में चोट आई है, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई में जो आरोपी है वो भी घायल हुआ है। क्षेत्र में एक पुराना 15,000 का इनामी है प्रमोद कुमार, जिसके खिलाफ कोर्ट से भी NBW जारी हुआ है और ये शातिर किस्म का लुटेरा है और पुलिस के ऊपर या अन्य 307 जैसे संगीन धाराओं में इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत है। इसके खिलाफ लगभग 10 मुकदमे पंजीकृत है और आज इसको पकड़ने के लिए पुलिस जब गई थी तो इसने हमला किया, जिससे पुलिस द्वारा भी आत्मसुरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिससे ये घायल हो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।